Hi guys and welcome back to my channel. So today is 15th August और मैं आज जा रहा हूँ राइड पे. So good morning everyone. आज मैं राइड पे जा रहा हूँ आज़ाद हिंद ढाबा तक, जो मेरे घर से लगभग 165 किलोमीटर है. तो चलते हैं. पहले तो यहाँ से जाऊँगा मैं पाँचबागा, वहाँ पर मेरा एक भैया है, वो भी जाएगा मेरे साथ, उससे मीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे. और हाँ, एक बात, मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ क्योंकि मेरा जो ओरिजिनल गोप्रो का ऑडियो है वो करप्ट हो गया है, क्योंकि माइक ठीक से लगा हुआ नहीं था, मेरा ही मिस्टेक था. एंड गोप्रो का एंगल भी इस वीडियो में कुछ अच्छा नहीं है. ये हेलमेट का जो माउंट है वो भी प्रॉब्लम कर रहा है. थोड़ा सा बेयर कर लेना भाई लोग इस वीडियो के लिए. नेक्स्ट वीडियो से अच्छा ऑडियो भी आएगा, अच्छा वीडियो का क्वालिटी भी आएगा, एंगल भी अच्छा ही आएगा. सो गाइस, मैं पाँचबागा से निकल गया, भैया भी है पीछे, तो चलते हैं अपनी मंजिल की तरह. तो अभी तो मैं दुर्गापुर क्रॉस कर गया हूँ और जीटी रोड पे एंटर कर गया हूँ. अभी तो पूरा सीधा सीधा रोड है. यहाँ से लगभग 100 कितना किलोमीटर होगा आज़ाद हिंद ढाबा. तो गाइस चलते हैं. पहुँचने ही वाला हुआ आज़ाद हिंद ढाबा. देखते हैं कितना रश है, कितना भीड़ है उधर, और कौन सा सुपर बाइक आया है उधर. सो गाइस, मैं पहुंच गया आज़ाद हिंद ढाबा. आप लोग देख ही सकते हैं कितना सारा बाइक्स है इधर. मुझको रोड क्रॉस करना पड़ेगा उधर जाने के लिए, तो रोड क्रॉस करते हैं और देखते हैं उधर क्या क्या बाइक्स आया है. आप लोग देख ही सकते हैं कितना सारा बाइक्स है आज़ाद हिंद ढाबा में. आप लोग आज़ाद हिंद ढाबा का नज़ारा देखिए, मतलब कितने सारे बाइक्स और कितना सारा पब्लिक है इधर, मतलब पूरा रश हो गया है. ये एक ATV भी है इधर, मतलब घूमते हैं थोड़ा आज़ाद हिंद ढाबा में. तो अभी मैं निकल गया हूँ आज़ाद हिंद ढाबा से. अभी जा रहा हूँ हिंदुस्तान ढाबा, देखते हैं उधर क्या क्या है. सो गाइस,
गाइस, मैं पहुंच गया हूँ हिंदुस्तान ढाबा और आप लोग देख ही सकते हैं मतलब इस ढाबा में भी कैसा रश है। हिंदुस्तान ढाबा से और अभी जा रहा हूँ घर की तरफ। पहले एक बार वर्धमान घुसूँगा, भैया का कुछ काम है उधर, ठीक है, उधर थोड़ा बैठ के फिर चले जाएंगे घर की तरफ। और हाँ, आज तो मैं घर मतलब बांकुड़ा नहीं आऊँगा, मैं दुर्गापुर में एक रिलेटिव के घर पे रुकूँगा आज। फाइनली बर्धमान में एंटर किया हुआ और भैया जाएंगे अपने काम पे, काम ख़त्म करके भैया फिर से आएंगे 10-15 मिनट बाद और मैं कहीं पर भी बैठा रहूँगा। तो चलिए बाद में मिलते हैं। सो फाइनली गाइस, भैया आ गया है, सामने जा रहे हैं, भैया का काम भी ख़त्म हो गया और अभी हम लोग जा रहे हैं दुर्गापुर की तरह। तो आप लोग बने रहे हैं मेरे साथ। So, मैंने GT से लेफ्ट टर्न ले लिया और घुस गया विधाननगर लेन में। तो मैं अभी जा रहा हूँ विधाननगर जहाँ पर मेरा रिलेटिव का घर है। तो आज के वीडियो इतना ही, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।